खबर शामिल करते हैं मणि बहाउद्दीन से, जहां से हमें रिपोर्ट किया है अनायतुल्लाह अंजम क्लेर ने। मलकवाल के नवाही गांव रुकन में इजतमाई शादियों की तकरीब का इनकाद, मेहमान खसूसी MNA नासिर इकबाल बसाल ने खसूसी शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक चौधरी शहजाद अली गोंदल ने अल्लाह और उसके हबीब की खुशनूदी के लिए 14 इजतमाई शादियों का अहतमाम किया। बतौर मेहमान खसूसी MNA चौधरी नासिर इकबाल बसाल ने शिरकत की। नए शादीशुदा जोड़ों को बतौर सलामी फीकस 10-10 हज़ार रुपये दिए और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दीगर मेहमानों में उमर हयात भट्टी, चेयरमैन मार्केट कमेटी मणि बहाउद्दीन, चौधरी औरंगजेब, हाजी नज़र मोहम्मद, चौधरी मुनीर अहमद, चौधरी फरहाद अली मीरेका, चौधरी शहजाद अकबर, SSP दोस्त मोहम्मद नासिर का, चौधरी मोहम्मद अरशद गरदावर, हाजी तसवर बड़ियाना, चौधरी जफर गोंदल फ्रांस, चौधरी नाजम गोंदल खाई, इकराम उल्ला गोंदल एडवोकेट, हाफज नुमान, हिजर सियालवी और ओवरसीज फोरम मणि बहाउद्दीन के वफद ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर इकबाल बसाल MNA ने कहा कि इस हुकूमत ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। इस मुआशरे में अवाम अपने बच्चों के पेट ना पाल सके और खुदकशी को तरजीह दे, उस महंगाई के दौर में एक शादी करना मुश्किल तरीन काम है। मैं जनाब शहजाद अली गोंदल साहब को मुबारकबाद देता हूं और दाद देता हूं, जिन्होंने महंगाई के इस दौर में अल्लाह की रज़ा के लिए 14 शादियों का अहतमाम किया। अल्लाह ताला इनके अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।